सेकेंड है स्पीड एंड डिरेक्शन, थर्ड है डिरेक्शन एंड वॉल्यूम और लास्ट ऑप्शन है वॉल्यूम एंड शेप्स सो बेसिकली क्या हो रहा है ये दोनों जो मेटल बॉल्स है सपोज वो वी वन और वी टू से एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं ठीक है तो ओ पे सपोज करो वो कोलाइड होता है तो इनिशियली ये दूर, दूर दूर थे और एक दूसरे की तरफ कुछ स्पीड से आ रहे थे जैसे ही कोलाइड हो जाएंगे तो वो एक दूसरे के अंदर तो जा नहीं सकते क्योंकि बोथ ऑफ दीज आर रिजिड बॉडीज तो ऑब्वियसली वो एक दूसरे के थ्रू पास नहीं हो सकते तो क्या होगा फिर वो अपनी डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज कर देंगे जो ये बॉडी ए थी वो इस तरफ मूव करना चालू कर देगी और ये बॉडी बी इस तरफ मूव करना चालू कर देगी एंड वी फोर हो गई तो अब जो करेक्ट ऑप्शन होगा इसमें से क्योंकि क्वेश्चन में पूछा है कि किन किन चीजों में चेंज हो सकता है तो क्योंकि मेटल बॉल्स बॉल्स है तो अपन कहेंगे कि तो जो करेक्ट होगा इनमें से ऑप्शन वो होगा स्पीड एंड डिरेक्शन स्पीड भी चेंज हो जाएगी और डिरेक्शन तो ऑब्वियसली चेंज हो ही रही है क्योंकि पहले ये इस तरफ मूव कर रहा था अब इस तरफ मूव कर रहा है तो ऑप्शन बी करेक्ट है आई होप यूरस्टैंड से लेके, GE, तक दस मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा आज ही डाउनलोड करें डाउट नेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स आठ चार सौ चार सौ चार सौ पर